अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं आईटी फिक्सर टीवी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की व्हाट्सएप की न्यूज़ लेके आया हूँ। यकीनन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे ये मेरी खबर सुन के। अभी तक जो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप एक व्हाट्सएप को एक ही नंबर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने किसी दूसरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप को लेके जाना हो तो पहले नंबर के ऊपर से आपका व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको व्हाट्सएप का नया फीचर बताने वाला हूँ, इसके ज़रिए आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार डिवाइसेस को एक व्हाट्सएप नंबर के साथ लिंक कर लेंगे। वो आपकी डिवाइस फ़ोन भी हो सकती है, टैबलेट भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई लैपटॉप भी हो सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अब व्हाट्सएप ने एक अपना नया फीचर मुतारफ़ कराया है लिंक्ड डिवाइसेस का। जिस तरह से आप वेब व्हाट्सएप के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने वेब के ऊपर अपना व्हाट्सएप खोल लेते थे, इसी तरह वेब व्हाट्सएप के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिला करेगा जिसका नाम होगा लिंक डिवाइसेस। जब एक डिवाइस को आप लिंक्ड कर देंगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आपके मेन मोबाइल के ऊपर आपका व्हाट्सएप चल रहा हो। अभी क्या होता है कि अगर आपने एक आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है और वहाँ से आप वेब व्हाट्सएप ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो अगर आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप बंद हो जाए या आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका वेब व्हाट्सएप भी बंद हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली आपका वो दूसरा व्हाट्सएप नहीं होता, एक ही नंबर का व्हाट्सएप जो है आपका, वो आपको मैसेज वहाँ पर दिखा रहा होता है। लेकिन अब ये जो लिंक्ड फीचर जो व्हाट्सएप ने निकाला है, इसके ज़रिए आप ऑफिशियली ऑथोराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को कि वो आपका एक ही नंबर को यूज़ करें। उसके लिए आप सिस्टम में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करके उसको लिंक्ड ऐप के ज़रिए आप लिंक कर सकते हैं। अगर उसके साथ आपने लिंक कर लिया तो फिर ज़रूरी नहीं कि आपके असल मोबाइल आपके पास हो और वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। वो ऐप भी इसी तरह चलेगी जिस तरह आपका मोबाइल चल रहा है। अभी बीटा वर्जन रिलीज़ किया है जो कि एंड्रॉयड के लिए तो अभी अवेलेबल हो गया है। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो उसको बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि ऑफिशियली वो बहुत जल्द इस फीचर को व्हाट्सएप के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे और आपकी डिवाइसेस अपडेट्स के ज़रिए इसको हासिल कर लेंगी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट होगी व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल जगह के ऊपर अपने व्हाट्सएप को एक्सेस करना होता है। कंप्यूटर के ऊपर अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी कम्युनिकेशन लोग व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, तो समटाइम मोबाइल के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो अगर मोबाइल के अंदर इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि कंप्यूटर के ऊपर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस फीचर के ज़रिए एक ज़बरदस्त किस्म की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर अपने व्हाट्सएप को यूज़ कर लें। दोस्तों ये तो थी एक व्हाट्सएप की अपडेट जो आपसे शेयर करनी थी। मैं तो बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये अपडेट आए और मैं इसको यूज़ करूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये अपडेट पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलें सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।